PML Encores 148 Most Repeated Academic MCQs 7th of June 2021 from all centers. First of all, Durud-e-Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nuril Anwari wa Sirril Asrari wa Sayyidil Abrari. आज का जो मैंने दुरूद पाक है ना वो बड़ा मज़े का रखा है जी। इसे हम बोलते हैं दुरूद नूर। और जो बंदा ये कहता है ना कि मेरे जहन से बुरे ख्यालात नहीं जाते, मेरे पास ये केस आया था, मैंने इसलिए ये दुरूद पाक रखे हैं कि मेरे जहन से सर ये जो बुरे ख्यालात नहीं जाते, मेरे दिल से नफसानी ख्वाहिशात नहीं जाती और मुझे मेरा हाफजा बड़ा कमज़ोर है, ये तीन चीज़ों के लिए ये दुरूद पाक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये आपके दिल को आपके दिमाग को बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ कर देगा। आप इसे डेली रूटीन में पढ़ा करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी। ओके जी, नीचे तर्जमा भी लिखा है, ए अल्लाह दुरूद भेज नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि नूरों के नूर हैं और तमाम कायनात राजों के जानने वाले हैं और नेकोकारों के आका हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद फैज़ान, आप मुझे जानते ही हैं एजु स्मार्ट चैनल से। ओके, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एकेडमिक एमसीक्यूज पे 7th June 2021 पे, जो कि कल मुख्तलिफ सेंटर्स में एमसीक्यूज आए, वो सारे मैंने पीडीएफ बना के आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में। सो आपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो क्वेश्चन में, कोई हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मसलन के आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि सारे जवाब गलत होंगे, कोई एक आध हो सकती है गलती, क्योंकि मैं ज़्यादा सर्च नहीं करता, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 74 लैंग्वेजेस। सुनन अबी दाऊद, रिटन बाय सुनन अबी दाऊद, एक हदीसों की बुक है, ये किसने लिखी है ये आपने बताना है, अबू दाऊद अल सिजिस्तानी। ओके जी, अबू दाऊद अल सिजिस्तानी। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है कि इमाम बुखारी का पूरा नाम क्या है, इसी तरह आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सही मुस्लिम किसने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम ताजिकिस्तान बाय, पाकिस्तान जो है ना और ताजिकिस्तान को ये समझ ले कि सेपरेट कौन सी चीज़ करती है, तो वाखान कॉरिडोर है जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करता है। विच वोमैन सी होली प्रॉफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चाइल्डहुड, वो कौन सी औरत हैं जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन देखा हुआ है, वो है बीबी हलीमिया हलीमा सादिया, जो कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ हैं। ओके, जिन्होंने दूध पिलाया है। कॉस 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कॉस एक्स, माइंड इट। इन विच कंट्री डिड द 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन अकर, तो ये कहाँ पे हुआ था जी, रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन। मोस्ट यूज्ड वर्ड इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में जो मोस्ट यूज्ड वर्ड है वो है पास, जो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं उनको पता होगा कि पास 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 ऐसे बड़ा करते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल में जो सबसे ज़्यादा यूज वर्ड होता है वो पास होता है, इसके अलावा और वर्ड है अटैक है डिफेंस है कोई ऐसे होंगे, ठीक है, लेकिन पास सबसे ज़्यादा ज़्यादा यूज होते हैं। हाउ लॉन्ग होली प्रॉफ्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परसिक्यूटेड इन मक्का, 13 ईयर्स। ठीक है, 13 ईयर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन हैड जुबली इन 1995, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जुबली मुकम्मल की 1995 में, UNO। लास्ट सूरा अकॉर्डिंग टू वही, वही के अकॉर्डिंग, वही के मुताबिक जो हमारी लास्ट सूरा है कुरान पाक में वो कौन सी है, सूरह अल नसर। ठीक है, ये वही के नजूल के एतबार से सूरह अल नसर एंड वाली सूरह बनती है, इसलिए इसे सूरह विदा भी बोलते हैं, जो कि आखिरी सूरह, ठीक है, अलविदा जिसे हम बोलते हैं, सूरह विदा बोलते हैं सूरह नसर को ही। ओके, वेयर इज ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे वाक़या है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में वाक़या है।
द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, जो दुनिया का एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स होती हैं जो वो कहाँ पे शेड्यूल्ड हैं जी, इस बार होनी है 2022 में होनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हाउ मच सऊदी अरबिया प्रॉमिस टू स्पेंड ऑन द ऑयल रिफाइनरी एट गवादर सीपोर्ट, गवादर सीपोर्ट पे सऊदी अरब ने कितना प्रॉमिस किया था स्पेंड करने के लिए, $10 billion, ओके। हु इज लास्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर, सबसे जो लास्ट निशाने हैदर पाने वाला आर्मी का बंदा है, एयरफोर्स का बंदा है या नेवी का बंदा है, हमारा सोल्जर है, वो कौन है, वो है हवलदार लालक जॉन शहीद। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है तो ये आपने बताना है, और एक कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये भी बताना है कि जो यंगेस्ट निशाने हैदर होल्डर है वो कौन है, ओके। स्मॉलेस्ट गुल्फ इन द वर्ल्ड इज गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ओके। कोस्टल हाईवे कनेक्ट्स विद विच टू सिटीज, कोस्टल हाईवे जो है ना वो कौन सी दो सिटीज को जोड़ता है, वो जोड़ता है कराची को ग्वादर के साथ, ओके। ये सारे न्यू क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालिद बिन वलीद ब्रदर नेम, खालिद बिन वलीद जो था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके भाई का नाम क्या था, वलीद बिन वलीद, ओके। पाकिस्तान होस्टेड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से साल में होस्ट किया था, तो 1987 में भी किया था, 1996 में भी किया था। 1987 में पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके होस्ट किया था, 1996 में पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका तीनों में ये जो है ना वो वर्ल्ड कप हुआ था। सो आपको ज़्यादातर जो ऑप्शन आ रहा है वो 1987 का आ रहा है, तो आपने भी यही लगाना है। आरसीडी डेट, आरसीडी डेट है जी जुलाई 1964। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने किया, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था एलिमिनेशन ऑफ स्ट्राइफ, ओके। फर्स्ट हिजरत टुवर्ड्स विच कंट्री, पहली जो इस्लाम की हिजरत हुई थी वो कौन सी कंट्री की तरफ हुई थी, हिब्शा की तरफ हुई थी, जिसे हम एबेसिनिया भी बोलते हैं। मैंने इसीलिए हिब्शा साथ लिख दिया ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वैसे आपके ऑप्शंस में जो जवाब आ रहा है वो एबेसिनिया आ रहा है जी, ठीक है। सोलर सेल इन्वेंटेड बाय, जो सोलर सेल है, जो सोलर प्लेट्स आप यूज़ करते हैं उनमें सेल्स होते हैं, ये सेल्स किसने दरियाफत किए थे, इन्वेंट किए थे, चार्ल्स फ्रिट्स ने। ओल्ड नेम ऑफ फलस्तीन इज, फलस्तीन का जो ओल्ड नेम है वो फलस्तिया है, फलस्तिया। पाकिस्तान एंड टर्की एलियंस इन, पाकिस्तान टर्की एलियंस इन 1954। हाउ मैनी गुल्फ कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, गुल्फ कंट्रीज कितनी है दुनिया में, तो ये हैं जी 7, और जो सबसे छोटा गुल्फ कंट्री है वो है गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। किरथार रेंज इज इन वेस्ट ऑफ विच प्रोविंस, किरथार रेंज जो है वो बलूचिस्तान के वेस्ट में वाक़िया है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग 1971 वार के दौर पे याहिया खान जो थे ना वो प्रेजिडेंशियल प्रेजिडेंट थे, ठीक है। लेंथ ऑफ ग्वादर टू काशगढ़ मोटरवे इज, लेंथ बतानी है आपने मोटरवे की ग्वादर टू काशगढ़, तो ये है 3000 किलोमीटर, ओके। हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स इन एन एक्यूट ट्राइंगल, एक एक्यूट ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल्स होते हैं, 3। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा, याद रखना। डिफ्थेरिया डिजीज अफेक्ट विद द आर्गन, जो डिफ्थेरिया डिजीज है ये कौन से आर्गन को जो है ना वो इफेक्ट करती हैं, तो ये करती हैं थ्रॉट को, ठीक है, थ्रॉट। Who inaugurated State Bank? State Bank को किसने inaugurate किया था, 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने State Bank का इफ्तिताह किया था। Spiral flu is caused by, spiral flu is caused by influenza virus, influenza virus। Date of Lucknow Pact is, Lucknow Pact की जो date है वो क्या है, December 1916।
ओके, ओआईसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ओआईसी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1969 में। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ पाकिस्तान इज एस्टोला। सिनोनिम ऑफ क्यूरियस, क्यूरियस का सिनोनिम क्या है जी? इसेंट्रिक। सिनोनिम ऑफ अफेक्शन इज वार्म्थ। लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप इज वोल्गा। यूरोप का जो लार्जेस्ट रिवर है वो वोल्गा है। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रिवर है वो इंडस है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज डेन्यूब। और डेन्यूब के बारे में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि डेन्यूब रिवर कहां पे वाक्य है, तो ये यूरोप में बताना आपने, ठीक है। टोटल वाजबात इन नमाज, नमाज के टोटल वाजबात 11 हैं। आपने मुझे ये बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ये बीइंग मुस्लिम हमें पता होना चाहिए नमाज अदा करते हुए कि कितने वाजबात होते हैं। लास्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर इज बहादुर शाह जफर। और अगर पूछा जाए फर्स्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर तो फिर बाबर। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है भाई? 8849 मीटर। और अगर पूछा जाए गोडविन ऑस्टन यानी के केटू की हाइट कितनी है, तो फिर ये 8611 मीटर है, 8611 मीटर। हु बॉट गवादर फ्रॉम ओमान, ओमान से गवादर किसने खरीदा? पाकिस्तान ने भाई, ठीक है, शायद 55 बिलियन डॉलर्स का आई थिंक, लेकिन मुझे अभी सही कंसेप्ट का पता नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय, वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है जो रिटन की थी आदम स्मिथ ने, आदम स्मिथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दुरूद नूर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी। तो कैंडिडेट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि 7 जून के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप में से जिन लोगों ने पीएन कैरेट में अप्लाई किया है अगर वो मुझसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा पेड सेशन 20 जून से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा इनिशियल टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, फिजिकल मेडिकल के बारे में, जिसकी फ़ी भी होगी पेड सेशन की। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें, 0306-88-92-208। ओके, जजाकअल्लाह। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे चला अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।